अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, शाहीन बाग में NRC और CAA के खिलाफ चल रहे धरने प्रदर्शन को 69 दिन हो चुके हैं और सरकार ने जिस तरीके से शाहीन बाग को बदनाम किया हुआ था उसका नज़ारा भी पूरी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि सरकार की ये सारी कार्रवाई दिल्ली चुनावों को लेकर ही थी, क्योंकि BJP की सरकार ये चाहती थी कि शाहीन बाग को बदनाम करके ही दिल्ली का चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन सरकार अपने इस एजेंडे में फेल हो गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति की है और मध्यस्थों का मानना है कि शाहीन बाग में लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जब मध्यस्थों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया कि आपके इस प्रदर्शन से रोड बंद हो रही है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के साथ साथ बाकी की जनता को भी परेशानी ना हो। इस बात पर प्रदर्शनकारियों ने जवाब में कहा कि हम लोगों ने सिर्फ ये थोड़ी सी जगह ली है जो सुप्रीम कोर्ट को नज़र आ रही है, लेकिन सरकार ने यहाँ से आने जाने वाले कई और रास्तों को जानबूझकर बंद कर रखा है सिर्फ इसलिए कि वो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि दिल्ली की और देश की बाकी की जनता जो प्रदर्शन में शामिल नहीं है उन तक वो ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि शाहीन बाग के प्रदर्शन की वजह से ही उन सबको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारे प्रदर्शन से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें कोई शौक नहीं है कि हम इतनी सर्दी और बारिश का सामना कर रहे हैं और रात रात भर जब लोग अपने घरों में कंबल या रजाई में बैठते हैं उस वक्त भी हम यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को हमारी परेशानी नज़र नहीं आ रही है? क्या शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोग भी इसी अखंड भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या इस कानून से सरकार हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर रही है? नाज़रीन, मध्यस्थों ने सारी बात सुनी और प्रदर्शनकारियों का ये पैगाम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की बात कही। नाज़रीन, इन सभी बातों से सरकार ने एक घंटे के लिए महामाया रोड को खोला था और उसे फिर बंद कर दिया गया। पुलिस से रोड को दोबारा बंद करने की वजह पूछी तो पुलिस ने बताया कि किसी रोड पर बस खराब होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था, इसलिए हमें इस रोड को खोलना पड़ा। तो नाज़रीन, महामाया रोड के खुलने से जनता को काफ़ी सुविधा हुई, तो सरकार उस रोड को खोल क्यों नहीं रही है? सरकार क्यों चाहती है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके की जनता को असुविधा का सामना करना पड़े? क्या सरकार का महामाया रोड को खोलना कोई मजबूरी थी या फिर कोई प्रयोग? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं। नाज़रीन, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने जानने मिलने वालों और दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों पर नए हैं तो हमारे चैनल नूरानी खबरों को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।